हूँ कि हिस्ट्री का टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है, क्योंकि कल जो पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट का रिजल्ट मैं दे चुका हूँ और आज मैं हिस्ट्री का टेस्ट लेने वाला हूँ। बिल्कुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लोग अच्छी तरीके से दे दीजिएगा और आप लोगों का कल जो है इसका मैं रिजल्ट देने वाला हूँ। तो आप लोगों को कैसे देना है, सबसे पहले आप लोगों को गूगल में जाकर के लिखना है bbphelp.com, यहाँ पर इस तरीके से सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सर्च कर देंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए आप लोगों को यहाँ से बहुत सारा जो है फायदा मिल जाने वाली। देखिए यहाँ से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग को लिखा हुआ है। जैसे अगर ग्रामर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रामर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी का मिल जाएगा सारा चैप्टर का। उसके बाद देखिए इंग्लिश का, उर्दू का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यानी जितना सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है उस सब्जेक्ट पर क्लिक करिएगा, सारा चीज़ यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और हम लोग जो क्या करेंगे, टेस्ट देने वाले, तो टेस्ट के लिए देखिए यहाँ से आप लिंक मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, टेस्ट सीरीज का लिंक है, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करना है, ये क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है आपको सब्जेक्ट यानी चूज करने के लिए। जैसे कि अगर आपको अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना, देखिए यहाँ पर आप हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों का क्या किया हूँ कि यानी हिस्ट्री का टेस्ट लिया हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का टेस्ट देना है ताकि मैं कल आप लोगों का मैं रिजल्ट दे पाऊँ। तो करना क्या है, ये सारी चीज़ यानी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। और आज क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे हिस्ट्री पर, ठीक है। हिस्ट्री पर क्लिक करना है, क्लिक करके अब यहाँ पर देखिए हमारा बहुत सारा सीरीज बन चुका है, यानी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट 4 का आज हम टेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर टेस्ट 4 के सामने क्लिक है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपना नाम और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद अपना यहाँ पर जो सारा जो फिलअप कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सर देखिए सबमिट करना जरूरी है, जब आप सबमिट करेंगे तभी जो मैं रिजल्ट आप लोग का दे पाऊंगा। तो